गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सुमिस ट्यूटोरियल। तो जैसा मैं हमेशा आप लोगों के लिए DIY लेकर आती हूँ, तो वैसे ही मैंने आज आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सा DIY लेकर आई हूँ। मैं आज आपको होम मेड शीट मास्क बनाना सिखाऊंगी। यस, आप लोग आजकल हर कंपनी में देख रहे हो कि शीट मास्क अवेलेबल कर दिया है, उसमें जो इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है चाहो आप एडिशनल उसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 3 डिफरेंट स्किन टाइप के लिए शीट मास्क बता दूँगी। तो वैसे भी आपको अगर मार्केट से आप लेना चाहो तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बजट फ्रेंडली होममेड शीट मास्क बता रही हूँ। इसमें कुछ मेहनत नहीं है, बहुत ही इजी है। तो मैं यहाँ पे ये वाइप्स का यूज़ करूँगी शीट मास्क बनाने के लिए। अगर आप और भी इजी करना चाहते हो तो आप कॉम्प्रेस शीट मास्क भी यूज़ कर सकते हो। उसमें हम जो भी सिरप एडिशनल ऐड कर सकते हैं उसका फ़ोटो मैं यहाँ दे दूँगी और लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप चाहो तो कॉम्प्रेस शीट मास्क यूज़ कर सकते हो या आप वाइप से बना सकते हो, जैसा मैं आपको सिखाऊंगी। तो देख लेते हैं हमारा बजट फ्रेंडली शीट मास्क। एंड हाँ, आप उसको स्टोर भी करके रख सकते हो फ्रिज में। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बेबी वाइप्स का यूज़ कर रही हूँ। ये कॉटन वाइप्स हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। हम इस कॉटन वाइप्स को स्ट्रेच कर लेंगे सबसे पहले। तो हम इसे 4 साइड से अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे। ये बहुत इजीली स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे हमें कट कर लेना है। तो ये मेरा शीट मास्क रेडी है। फर्स्ट यहाँ पे मैंने प्यूरिफाइंग शीट मास्क बनाया है ऑयली स्किन के लिए। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ और मैं यहाँ पे फिर ग्रीन टी ऐड कर दूँगी। ग्रीन टी में मैंने ऑलरेडी लेमन मिक्स किया है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको लेमन सूट नहीं करता है तो आप ऐड ना करें। ये प्यूरिफाइंग शीट मास्क आपके एक्ने को रिड्यूस करेगा, ऑयल प्रोडक्शन को कम करेगा, आपके स्किन के पोर्स को टाइट करेगा, आपके स्किन में ग्लो ऐड करेगा। अब मैं यहाँ पे अपना शीट मास्क ऐड कर दूँगी। मैंने ये शीट मास्क को ऑलरेडी वॉश कर लिया है। इसे आपको ऐसे ही डिप करके रखना है 5 मिनट्स के लिए। इसे ऐसे ही सोक करने के लिए छोड़ दें ताकि सीरम इसमें अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे नॉर्मल स्किन के लिए शीट मास्क बता रही हूँ। ये ब्राइटनिंग शीट मास्क है। इसमें मैंने राइस वाटर लिया है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि राइस वाटर कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट में कितना यूज़ होता है। उसमें बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने विटामिन ई लिया है। मैं यहाँ पे एवरीवन विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ कर रही हूँ। ये ब्राइटनिंग शीट मास्क आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, एंटी एजिंग का काम करेगा, आपकी स्किन को रेडिएंट बनाएगा, यूजफुल बनाएगा, सॉफ्ट सप्पल बनाएगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपके स्किन के पोर्स को भी टाइटन करेगा। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट सीरम रेडी हो चुका है। आगे मैं अपना शीट मास्क ऐड कर दूंगी और इसे ऐसे ही 5-10 मिनट्स के लिए अब्सॉर्ब होने के लिए छोड़ दूंगी। थर्ड मैं यहाँ ड्राई स्किन के लिए शीट मास्क बता रही हूँ। ये एंटी एजिंग शीट मास्क है। इसमें मैंने दही लिया है। मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें कुछ स्ट्रेन सैफ्रॉन के डालूंगी
अगर आपके पास सैफ्रॉन नहीं है तो आप इसमें टर्मरिक भी ऐड कर सकते हो। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है, हमारे पोर्स को टाइटन करता है, ड्राई स्किन को हील करने में हेल्प करता है, फाइनेस रिड्यूस करता है, हमारी स्किन से रिंकल्स के साइंस ऑफ एजिंग्स को रिड्यूस करता है। सैफ्रॉन स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। अब इसमें मैंने शीट मास्क ऐड कर दिया है, इसे भी मैं ऐसे ही 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। तो ये मेरा 3 शीट मास्क रेडी है। तो मैं यहाँ पे योगर्ट एंड सैफ्रॉन शीट मास्क लगा रही हूँ, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा वाइट दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें मैंने दही ऐड किया था। तो ये DIY शीट मास्क आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।